मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित जायसवाल एंड टूडे वी विल लर्न बायोलॉजी क्लास 12th सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. हम स्टूडेंट्स सबसे पहले ये वर्ड, ये मतलब मीनिंग समझेंगे. जैसा कि आप जानते होंगे, आप पहले क्लासों में पढ़े होंगे या आपको पहले से इसके फर्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स क्या क्या होते हैं. लेकिन हम यहाँ पे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. वो कौन से प्लांट्स होते हैं? तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ये हायर प्लांट्स मोस्टली जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, उनमें एक तो उनमें हम कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो जो चैप्टर का नाम है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ये इस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है. हम ये बात जानते होंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे रिप्रोडक्शन को बोलते हैं जिसमें गैमिट्स का फॉर्मेशन होते हैं. अगर हम एनिमल्स में देखें या ह्यूमन में देखें तो मेल और फीमेल गैमिट्स होते हैं जिनको स्पर्म और ओवम कहते हैं. स्टूडेंट्स, तो क्या प्लांट्स में से गैमिट्स कैसे होते हैं? प्लांट्स में सेक्स ऑर्गन क्या होता है? जैसे हम एनिमल्स और ह्यूमंस में देखें तो एनिमल और ह्यूमन में एक सेक्स ऑर्गन होता है. मेल का अलग सेक्स ऑर्गन होता है, फीमेल का अलग, डिफरेंट तरह के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. मेल में मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस को बोलते हैं, फीमेल में फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवरी को बोलते हैं. ठीक इसी प्रकार जो प्लांट्स होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि प्लांट्स में सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, प्लांट में किनको मेल गैमिट और किनको फीमेल गैमिट्स कहते हैं. तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में आज सीखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है, प्लांट्स में सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, प्लांट्स में गैमिट्स के फॉर्मेशन कैसे होते हैं, प्लांट में गैमिट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे है, डबल फर्टिलाइजेशन होते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न है, इंडोस्पर्म है, एम्ब्रियोजेनी है. तो फर्दर ये सारी बातें इस चैप्टर में डीपली डिस्क्राइब से पढ़ते हैं. लेकिन इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट्स होती है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड हाउ टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर अकर्स इन प्लांट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में होते हैं उनमें प्लांट्स में भी मेल और फीमेल गैमिट्स बनते हैं. हम अभी इस बात को पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स में सेक्स ऑर्गन होता है वो फ्लावर होता है. स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि प्लांट्स में सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स में उनको फ्लावर कहा जाता है. फ्लावर को मॉडिफाइड सूट भी कहते हैं. सूट के ही मॉडिफिकेशन से फ्लावर बनता है, फ्लावर से फर्दर सीड, सीड से फ्रूट्स, ये सारी पूरे नेक्स्ट मतलब पूरा प्रोसीजर होता है. तो जो फ्लावर होते हैं उनको कहते हैं कि वो प्लांट्स का सेक्स ऑर्गन होता है या अट्रैक्टफुल पार्ट होता है, ब्यूटीफुल पार्ट या कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, ऐसे भी कई तरह से फ्लावर को हम डिफाइन कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, जो फ्लावर है वो प्लांट का सेक्स ऑर्गन है. अब हम जैसे एक फ्लावर को ड्रॉ फिगर से समझेंगे, फिगर या हम ऐसे अपने माइंड से भी एक फिगर को देख सकते समझ सकते हैं कि जो फ्लावर होते हैं मोस्टली जो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर होते हैं उनमें हमको दो तरह से फ्लावर का हमको यहाँ पे उनका मॉर्फोलॉजी दिखाई पड़ता है. कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही सिंगल फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं. स्टूडेंट्स, ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फ्लावर को बाईसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं. कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिसमें मेल अलग फ्लावर पे होता है और फीमेल अलग फ्लावर पे होता है. इस तरह के भी कुछ फ्लावर्स होते हैं. इसमें हम मोनोसियस, डायोसियस इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि मोनोसियस क्या होते हैं, डायोसियस क्या होते हैं, मेल मतलब दोनों तरह. कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिसमें मेल फीमेल एक ही में प्रेजेंट होते हैं. कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जिसमें केवल एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, या तो एक फ्लावर में मेल सेक्स ऑर्गन होगा या तो एक फ्लावर में
फीमेल सेक्स ऑर्गनों का, इसने इनको यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल में एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ये तो बात हुआ उसमें फ्लावर और उसके मतलब मॉर्फोलॉजी में। लेकिन अगर हम एक फ्लावर को देखें तो एक फ्लावर को हम उनमें कौन कौन से पार्ट्स देख सकते हैं, एक फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अगर हम एक फ्लावर को देखें तो फ्लावर में एक थैलमस, पेडिशल, हम अगर हम फ्लावर में मेल मेल पार्ट की बात करें तो उनको एंड्रोसियम या स्टामेन कहते हैं। इनके दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। और अगर हम इस फ्लावर के फीमेल पार्ट, कोई भी फ्लावर है उसके फीमेल पार्ट्स भी होंगे, तो फीमेल पार्ट्स की बात करें तो उनको गाइनोसियम, पेस्टिल या कार्पेल इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। गाइनोसियम फीमेल पार्ट को बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं, पिस्टिल कहते हैं, ये फीमेल के पार्ट्स होते हैं। अगर हम एक कार्पेल को देखें तो उनमें थ्री पार्ट्स हमको दिखाई पड़ते हैं। जो अपर पार्ट होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन रिसीव करते हैं, उनको स्टिग्मा, एक हॉलो नैरो मतलब लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट होता है, उनको स्टाइल कहते हैं। स्टाइल डिफरेंट फ्लावर टू फ्लावर स्टाइल का जो लेंथ होता है वो वेरी भी करता रहता है। तो स्टिग्मा, स्टाइल और जो लास्ट इनर पार्ट होते हैं उनको ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर फीमेल में ओव्यूल, एग सेल होते हैं। तो इस प्रकार ये जो फ्लावर होते हैं उनमें मेल और फीमेल यानी एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों पार्ट्स ही प्रेजेंट होते हैं। ओवरऑल इनको कंबाइन करके बोलें तो फ्लावर का इनको इसेंशियल वर्ल कहा जाता है या नेसेसरी वर्ल कहते हैं। स्टूडेंट्स, फ्लावर में कुछ और भी पार्ट्स होते हैं जिनको हम जैसे कि अभी पढ़ेंगे कि पेटल्स, पेटल्स के ग्रुप को कोरोला कहते हैं। जो फ्लावर में नीचे ग्रीन ग्रीन्स लगे होते हैं उनको सेपल्स कहा जाता है। सेपल्स के ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं। तो इन दोनों को कैलिक्स मतलब कोरोला और सेपल यानी हम बोलते हैं ना कि पेटल्स, पेटल्स को कोरोला और सेपल को कैलिक्स, इनको ओवरऑल हम बोलते हैं एसेसरी वर्ल। तो फ्लावर्स जो होते हैं वो दो वर्ल से कंप्लीट होते हैं, एक होते हैं एसेसरी वर्ल और दूसरे होते हैं नेसेसरी वर्ल्स। एक फ्लावर का फिगर से भी हम ये सारी स्ट्रक्चर्स को उनके फिगर में नेमिंग्स के बारे में, एक फ्लावर का फिगर का डायग्राम भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो उसके हम तो ऐसा ही अभी इस वीडियो में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं कि एक फ्लावर का डायग्राम कैसा है, उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो ये सारी बातें को हमको इसमें अच्छे से लर्न करना है। तो ये तो हुआ स्टूडेंट्स एक फ्लावर का डिस्क्रिमिनेशन, कि जो फ्लावर होते हैं वो इतने अट्रैक्टफुल होते हैं ताकि इंसेक्ट को वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। हम ये भी बात पढ़ेंगे कि कोई भी फ्लावर इतने कलरफुल क्यों होते हैं। कोई फ्लावर पिंक है, कोई रेड है, कोई ब्लू है, कोई वाइट है, कोई पिंक है। इतने अट्रैक्टफुल कलरफुल फ्लावर इसलिए होते हैं ताकि वो अपने इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए प्लांट्स का क्या इसमें इंपॉर्टेंट रोल है, प्लांट्स क्यों इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो हम ये सब कह सकते हैं कि प्लांट्स अपने ओर अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को फॉर पॉलिनेशन। इसमें प्लांट का भी इंपॉर्टेंट रोल है कि प्लांट्स जो होते हैं इस अट्रैक्टफुल नेचर से वो अपने आप को पॉलिनेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारी बातें एक फ्लावर के थ्रू, फ्लावर का इम्पोर्टेंस क्या है, फ्लावर के बारे में डायग्राम, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, फर्दर अगर हम इसी टॉपिक में कंटिन्यू पे करें तो फर्स्ट इसमें जो हेडिंग्स पढ़ते हैं, जैसे अभी हम पढ़ेंगे कि एंड्रोसियम द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंड्रोसियम में फर्स्ट पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, जो एंथर होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, मोनोथिकस एंथर और डाइथिकस एंथर्स क्या होते हैं, एक एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन का फिगर क्या होता है, एंथर के अंदर इस जिसको माइक्रोस्पोरिंजियम कहते हैं, इसी एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, इनको पॉलन ग्रेन्स कहा जाता है। फर्दर एक ट्रांसवर्स सेक्शन एंथर का, एक टीयर सेक्शन का एक फिगर होता है जो कि हर बार एग्जाम में होता है। हम इसको पढ़ेंगे अच्छे तरीके से कि किस प्रकार एक एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, एंथर के स्ट्रक्चर जैसे एंथर का एक टीयर्स को फिगर में देखें तो उसमें हमको कई पार्ट्स दिखाई पड़ते हैं। आउटर पार्ट को इंड उसको वो ईपीडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम, ऐसे स्पोरोजिनस सेल, एक ट्रांसवर्स सेक्शन एंथर का फिगर होता है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स पढ़ेंगे, पॉलन ग्रेन्स क्या स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये सारी बातें हमको अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर माइक्रो स्पोरोजेनेसिस,
माइक्रोस्पोर्स कैसे बनते हैं, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे कि माइक्रोस्पोर्स के बाद माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस कैसे होता है। स्टूडेंट्स, ये सारी बातें इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू क्लासों में पढ़ेंगे, लेकिन जो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर है अभी हम पढ़ेंगे। जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म एक इसी फिगर में होता है टैपिटम। टैपिटम का फंक्शन, टैपिटम का रोल, मोस्टली टैपिटम्स के फंक्शंस क्या होते हैं, कई सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं टैपिटम्स के। एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एंथर में एक लोब्स होते हैं तो उनको बोलते हैं मोनोथिकस, दो लोब्स होते हैं तो डाईथिकस। इसी एंथर को अगर प्लॉइडी की बात करें तो डिप्लॉयड होता है, इनको माइक्रोस्पोरिंजियम कहते हैं। इन्हीं के अंदर पॉलेन मदर सेल्स होते हैं जिनमें मियोसिस होने से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो ये सारी बातें धीरे धीरे इस क्लास में आके कंटिन्यू हम ये बातें पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में अभी तक हम फ्लावर के स्ट्रक्चर्स के बारे में, मोस्टली में इस वीडियो में हम एक फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में, फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में और फ्लावर के इंपॉर्टेंट रोल्स के बारे में लर्न किए। स्टूडेंट्स, इसके आगे नेक्स्ट क्लासों में, इसी के आगे कंटिन्यू में हम इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, पॉलिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूज़न, इंडोस्पोर, इंडोस्पोर, इंडोस्पर्म के टाइप्स, ये सारी बातें स्टूडेंट्स सीखेंगे। थैंक यू।